primary learning with practice. आज हम करेंगे यूनिट 4.5 लैंग्वेज स्टडी, जिसमें आज हम सीखेंगे पोजिशन वर्ड्स। पोजिशन वर्ड्स मतलब वो शब्द जो हमको किसी चीज की जगह बताएं। आइए पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, रीड अलाउड एंड इनैक्ट। मतलब इसे पढ़िए, इसे देखिए, पढ़िए और फिर आप अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ, मम्मी डैडी के साथ इसकी एक्टिंग कर सकते हैं। ओ, आई नीड माय इंग्लिश बुक टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट, वेयर इज इट। तो ये कह रही है कि इन्हें अपनी इंग्लिश बुक चाहिए अपनी प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। तो अब वो इंग्लिश बुक ढूंढ रही है। हम कैसे, जब कोई चीज खो जाती है हमसे तो हम उसे ढूंढने लगते हैं, उसी तरह ये भी अब उसे ढूंढ रही हैं। और कहाँ ढूंढती हैं, देखो, ऑन द टेबल, क्या टेबल के ऊपर है? नो, नहीं। नियर द टीवी, क्या टीवी के नजदीक है? नो, नहीं। बिहाइंड द बैग, क्या बैग के पीछे है? नो, नहीं। अंडर द चेयर, क्या कुर्सी के नीचे है? नो, मतलब नहीं। इन माई पर्स, यस, क्या मेरे पर्स में है? हाँ, इन्हें वो अपने पर्स में मिला। अब यहाँ लिखा है वर्ड्स दैट शो द पोजिशन आर पोजिशन वर्ड्स, मतलब जो शब्द हमें किसी चीज की जगह बताएं उन्हें कहते हैं पोजिशन वर्ड्स या प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब हमारे हिंदी में इसे कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। ये हमें किसी चीज की जगह बताते हैं, ये वो शब्द हैं जो संज्ञा को जोड़ते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो संबंध सूचक अव्यय, तो कहाँ रखी है चीज? ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, पास, तो इन्हें कहते हैं इंग्लिश में प्रेपोजिशन। अब पेज 58 पढ़ते हैं। ए, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इस पिक्चर को देखिए और अब इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करिए इस पिक्चर के अनुसार। और हम यूज करेंगे हमारे प्रेपोजिशन। तो फर्स्ट, द पीकॉक इज सिटिंग ऑन द ट्री, हम लिखेंगे ऑन। The peacock is sitting on the tree. फिर second, the man is standing near the car. कार के पास खड़ा है, तो near the car. तीसरा, there is water in the jar. Fourth, the car is parked. कार कहाँ पार्क हुई है? पेड़ के नीचे, तो हम लिखेंगे under the tree. The car is parked under the tree. आगे, fifth, the rabbit is hiding dash the tree. खरगोश कहाँ छिपा है? पेड़ के पीछे, तो हम लिखेंगे the rabbit is hiding behind, मतलब पीछे, behind the tree. Question B, read the following sentences and draw the pictures in the box. यहाँ पर pictures की spelling गलत है, होनी चाहिए PICTURES. अब यहाँ पर पहले box के लिए क्या लिखा है? The apple is on the table. अब आपको यहाँ पर एक table draw करनी है और table के ऊपर आपको एक सेब दिखाना है. Apple is on the table, table के ऊपर. दूसरा, the ball is under the table.
फिर हम एक टेबल बनाएंगे और इस बार बॉल को टेबल के नीचे रखेंगे, अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे। सी, डू यू डू दिस, से यस और नो, क्या आप ऐसा करते हैं, कहिए हाँ या ना। आई राइट ऑन अ पेपर विथ अ चॉक, नो, हम पेपर पर पेन से लिखते हैं, चॉक से नहीं। I wear clean uniform when I go to school. मैं जब स्कूल जाता हूँ तब मैं clean uniform, साफ uniform पहनता हूँ। तो हम लिखेंगे yes, हाँ। तीसरा, I drink my books. हम हमारी किताबें पीते नहीं हैं, हम उसे पढ़ते हैं। तो I drink my books is wrong. तो हम लिखेंगे no. Fourth, I sit on my bench. हमारे जो क्लास में टेबल होती है उसका कहते हैं डेस्क एंड बेंचेस, बच्चों के लिए डेस्क जिस पर हम लिखते हैं, बेंच जिस पर बच्चे बैठते हैं। तो आई सिट ऑन माई बेंच इज करेक्ट, यस, तो हम लिखेंगे यस। फिफ्थ, आर क्लास रूम इज क्लीन, हमारा क्लास जो है एकदम साफ है, हम लिखेंगे यस। Sixth, I give bath to my books every day. मैं अपने books को रोज नहलाती हूँ, क्या ये सही है, नहीं, तो हम लिखेंगे no. I ask questions and the teacher answers them. मैं question पूछता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ और teacher जवाब देती है, क्या ये सही है, नहीं, teacher प्रश्न पूछती है और हम जवाब देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सही आंसर नहीं, नो। फिर क्वेश्चन डी, कंप्लीट द वर्ड स्नेक, यहाँ पर हमें अल्फाबेट दिए हैं और बीच में कोई अल्फाबेट नहीं दिए हैं, तो हमें जब हम अल्फाबेट बनाएंगे, हमारे वर्ड्स बनाएंगे, तब हम पहले अल्फाबेट को गिनेंगे कि ये है स्टार्टिंग का अल्फाबेट, और जो यहाँ पर दिया है वो हम उसे गिनेंगे जैसे कि वो हो लास्ट अल्फाबेट, लास्ट लेटर। तो फर्स्ट, बीच में उन्होंने जगह छोड़ी है, और लास्ट। पहला मैट, एम ए टी, मैट। अब इसी टी को लेकर हमें दूसरा शब्द बनाना है, तो टी आई एन, अब फिर हमें एन को लेकर दूसरा शब्द बनाना है, तो एन ए पी, अब पी को लेकर, तो पी ए एन, अब फिर एन को लेकर, तो एन यू टी, टी को लेकर टी आर ई ई, ट्री, क्योंकि यहाँ पर टी आर टुगेदर है, साथ में है, तो हम टी आर को साथ में ही गिनेंगे, टी आर ई ई, ट्री, या तो आप लिख सकते हैं टी आर यू ई, ट्रू, तो ट्रू और ट्री दोनों ही सही हैं। फिर उसी ई को लेकर हम आगे चलेंगे, तो ई जी जी एग, जी यू एन गन, एन आई बी निब, और बी आई एन बिन। तो इस तरह हम अपने हमारे वर्ड्स ने को कंप्लीट करेंगे। प्लीज हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.